आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे समाज के एमपी एमएलए हुए, सभी ने जिन लोगों को पार्टी ने ठुकराया, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं का टिकट काटा, वो बताते हैं वहां सांप और बिच्छू हैं। और जब तक उनको टिकट मिलता रहा, जब तक वो वहां एमपी एमएलए बनते रहे, मंत्री बनते रहे, महाराजा बिजली पासी की जमीन को कब्जा करा दिया। तब नहीं बोले वो लोग, तब नहीं बोले, लेकिन जब उनका टिकट कट गया तब वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में सांप और बिच्छू। तो साथियों, अगर समाज की आवाज उठानी है, अगर समाज की बात करनी है, तो पहले, सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार का ईगो नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हम कम काम कर पा रहे हैं, तो जो हमारा भाई ज्यादा काम कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। यह समाज को जगाने का काम वही लोग करते हैं जिन्हें समाज को आगे बढ़ाने की लालसा होती है। साथियों, आज मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैंने सिर्फ नाम सुना, कभी देखा नहीं, लेकिन उस महापुरुष का जिन्होंने 1952 में देश के अंदर जितनी भी छोटी जातियां थी, या कह लीजिए जितनी शोषित वंचित जातियां थी, जिन पर जरायम एक्ट लगा था, उनकी पुत्री बीना रानी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के आयोजन कर्ताओं को कि जिन्होंने ऐसी शख्सियत को बुलाया जिनसे हम लोगों का भी परिचय होने का मौका मिला। हमारे साथी शिवशक्ति वर्धन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक राजनीतिक दल के, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभी का। साथियों, आदरणीय बहन जी सावित्री बाई फूले जी, जिन्होंने शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने लाभ के पद से इस्तीफा दे दिया। एमपी एमएलए का पद होना बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं और समाज को ठुकरा देते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं और क्षण क्षण में दल बदलने का काम करते रहते हैं, और उस लाभ के पद को, एमपी के पद को ठोकर मार कर समाज के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और उनके उत्थान के लिए अपना एक नया दल बनाया जिससे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। साथियों, उसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अनुपासी जी, जो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि कहीं ना कहीं समाज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और चाहे वो अपने अधिवक्ता के पैटर्न पे काम करें या समाज के लिए काम करें, अच्छे लाल सरोज जी हैं, गुड्डन पासी जी हैं, जितने भी साथी आए हैं हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के आसपास के जो लोग साथ में आए, हमारे लखनऊ से चल के लखनऊ के जिला अध्यक्ष, रायबरेली के जिला अध्यक्ष, जितने भी हमारे साथी आए हैं, मैं एक साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आज का कोई लिखित में यहाँ पर कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जिस पैटर्न पे बोला जाए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो साथियों, मुद्दे की बात, अगर किसी प्रकार का एक मुद्दा बताया जाता कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो लोग उसी मुद्दे पे बोलते। लेकिन आज जो पासी पंचायत है, तो पासी पंचायत में जितने भी लोग आए, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो साथियों, आज जितने भी पासी समाज के लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं या राजनीतिक दल चला रहे हैं, जो हमारा अपना विचार है कि हम सभी लोग यही कह रहे हैं, सभी से ये कह रहे हैं कि हम सब लोग एक हो जाएं। लेकिन ये बात हम भी कह रहे हैं कि हम सब लोग एक हो जाएं, लेकिन एक कौन हो रहा है? एक कोई नहीं हो रहा है, ना कोई एक होना चाहता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईगो रहेगा, जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। और इसी का कारण है कि जो हमारे समाज के लोग वो इधर उधर भटक रहे हैं। समाज की कहीं भी कोई गलती नहीं है, समाज के जो अगुआ हैं गलती उनकी है, समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको जो दिशा दशा हम बताते हैं वही वो करते हैं, वो हमारे पीछे चलते हैं। आधे को आगे अपने पीछे हम चला रहे हैं, आधे को अच्छे लाल जी चला रहे हैं, आधे को और लोग चला रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग आधे आधे को चला रहे हैं। आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे समाज के एमपी एमएलए हुए, सभी ने जिन लोगों को पार्टी ने ठुकराया,
जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं का टिकट काटा वो बताते हैं वहां सांप और बिच्छू है। और जब तक उनको टिकट मिलता रहा, जब तक वो वहां एमपी एमएलए बनते रहे, मंत्री बनते रहे, महाराजा बिजली पासी की जमीन को कब्जा करा दिया। तब नहीं बोले वो लोग, तब नहीं बोले, लेकिन जब उनका टिकट कट गया तब वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में सांप और बिच्छू। तो साथियों, अगर समाज की आवाज उठानी है, अगर समाज की बात करनी है, तो पहले, सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार का ईगो नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हम कम काम कर पा रहे हैं तो जो हमारा भाई ज्यादा काम कर रहा है हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम भले ही थोड़ा काम करें, जैसे कि एक कहावत है कि अगर छप्पर उठाने गए तो कुछ लोग तो जो उसको हमारे यहाँ चियारी बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कुछ लोग चियारी लगाते हैं तो कुछ लोग माचिस की तिल्ली ही लगाते हैं, हम तो भी साथ में थे। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यह है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई भीड़ कम है, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि हम लखनऊ से आए तो सिर्फ 6 लोग आए, हमको भी 20 लोग लेकर आना चाहिए था। ये सारी जिम्मेदारी क्या गुड्डन पासी की ही थी? जब पासी महापंचायत है तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती थी कि सभी लोग 10-10 लोग बढ़ा के लाते तो यहाँ जो है 400 की संख्या, 1000 की संख्या होती। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जितना भी शुरुआत जिसने की उसने अच्छा काम किया। और जैसे तथागत बुद्ध जी ने एक बार कार्यक्रम करने के लिए कहीं पे लगाया, उनको कहा गया कि साहब आज जो है 200 लोग हैं तो वो नहीं गए, दूसरे दिन 100 लोग बचे फिर भी नहीं गए, तीसरे दिन कहा कि आज 50 लोग हैं तब गए, कहा कि आज 50 लोग हैं आज हमारी बात सुनेंगे, कम लोग हैं। लेकिन ज्यादा भीड़ में लोग किसी की बात बात नहीं सुनते हैं। अगर 20,000 की रैली होती वहां कोई बात बात नहीं सुनता है, कुछ लोग इधर उधर घूमते हैं, कुछ लोग उधर घूमते हैं, तो भले ही कम लोग हो लेकिन ये समर्पित लोग हैं। अगर ये समर्पित लोग नहीं होते तो इस तड़ाके की धूप में यहाँ बैठते नहीं। तो साथियों, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, साथियों आज जो आवश्यकता है, चुनाव सर पर है, हमें जरूरत है कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारे लोगों को एक होना चाहिए और एक मंच पे आना चाहिए। अगर एक मंच पे हम नहीं आ रहे तो अगर जो हमारे दल के लोग काम कर रहे हैं तो हम उनका सपोर्ट करें या उनका सहयोग करें, हमें उनका सहयोग करना चाहिए ताकि उनका मनोबल न टूटे। अगर उनका भी मनोबल टूट गया तो आज उनके पास दल है और वो भी किसी दल में चले जाएंगे तो हम लोग फिर से ना तो कोई दल बना पाएंगे, उन्हीं सामंतवादी जो पार्टियां हैं उन्हीं के पीछे पीछे हम लोग चले जाएंगे। और वहां सिर्फ एमपी एमएलए तो हम बन सकते हैं लेकिन वहां हम नेता नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है जो भी हमारे संगठन हैं उनका सहयोग करने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जितने राजनीतिक दल के लोग हैं इनको एक मंच पे आना चाहिए। भले एक दूसरे का अगर वो विलय नहीं कर रहे, कोई जरूरत नहीं विलय करने की, लेकिन अलायंस तो कर सकते हैं, गठबंधन तो कर सकते हैं, तो यही करें। हमारा यही अपना विचार है। साथियों, मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित साथियों को, अगर जिनका नाम छूट भी गया है, क्योंकि सभी का नाम लिया जाएगा, समय इतना कम है। और हम लोग चाहते हैं ये कि बहन जी अपना वक्तव्य रखें, और ज्यादा समय हम उनको देना चाहते हैं कि बहन जी अपना वक्तव्य रखें और हम लोग सुनें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पासी समाज।